Hi everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is Varsharani here. आपने देखा कि किस तरह से यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रेंच, और आपने पोर्चुगीज कंपनीज के बारे में भी जाना, डच के बारे में भी, डैनिश के, फ्रेंच के, ये कब तक इंडिया में रहे, क्या क्या किया. आज हम ब्रिटिश के बारे में बात करेंगे, ये किस तरह से आते हैं, कब ये इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और किस तरह से यहाँ पे ये पावर लेने के लिए कोशिश करते हैं. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 एडी में बन गई थी. 1600 एडी में जब ये कंपनी बनी थी तब इंडिया में अकबर का राज था. जब पोर्चुगीज इंडिया आए थे उस टाइम में यहाँ पे लोदीज का राज था. ठीक है, पूरी इंडिया में नहीं, सिर्फ दिल्ली सल्तनत पे सिकंदर लोदी था उस टाइम पे. उस टाइम में उसके बाद फिर पानीपत की बैटल में हार जाते हैं लोदीज मुगल से और फिर आगे मुगल्स का आधिपत्य शुरू होता है. और मुगल्स खुद को क्योंकि कैलिफेट से भी इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं तो इसलिए मुगल्स के जो होंगे ये एम्परर कहलाएंगे और इसके पहले जो थे वो सुल्तान कहलाते थे क्योंकि वो कैलिफेट के अधीन थे. ठीक, तो 24 मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं इस कंपनी के, जिनमें से एक क्वीन इलिजाबेथ भी होती है. यही कारण है कि क्वीन इलिजाबेथ इस कंपनी को मोनोपोली दे देती है 13 साल की. मोनोपोली मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी भारत में बिजनेस करने के लिए नहीं आएगी, सिर्फ एक कंपनी रहेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और किंग जेम्स एक और सोने पे सुहागा कर देते हैं, ये इनफिनाइट टाइम के लिए इसको मोनोपोली दे देते हैं. बाद में फिर 1813 में इसमें कुछ अंकुश लग जाते हैं, कुछ कुछ चीजों पे इनकी मोनोपोली होती है, जैसे चाय वगैरह पे, ओपियम पे. और 1833 में सारी मोनोपोली खत्म हो जाती है और वहां से और भी कंपनीज आ सकती हैं. उसके बाद इसकी मोनोपोली सिर्फ 1833 तक रहती है. पहला सेंटर इंडिया के अंदर 1611 में खोलते हैं. उस टाइम में यहाँ पे जहांगीर का शासन होता है और 1613 में ये सूरत में अपना सेंटर लगा देते हैं. बॉम्बई, मद्रास, कुडलोर, ये दोनों तमिलनाडु में होती हैं. ये सब भी लिखते हैं, हुगली, कोलकाता, ये अभी नहीं लिखना है इसको बेशक इन जगहों को. आगे आप डिटेल में देखोगे क्या क्या हुआ था. और फोर्ट विलियम्स बनाते हैं ये 1698 में. फोर्ट विलियम एक इनकी अपनी कॉलोनी होती है अंग्रेजों की. तो ये कहाँ पे, फोर्ट विलियम्स ये वेस्ट बंगाल में बनाते, आज का जो है बंगाल. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में उस टाइम में जब जब अंग्रेज भारत आए थे इंडिया में तो उसके बाद जहांगीर का शासन था, ये हमने पहले ही बता दिया. तो जहांगीर को इन्होंने जब बोला कि हम सूरत में अपना जो सेंटर लगाना चाहते हैं, देखो ये कोस्टल रीजन जो होते हैं ना ये व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि सी रूट यहाँ से इजिली मतलब हो जाता है. तो ये है सूरत यहाँ पे. फिर ये जो जगह जितनी भी देखोगे ना सब आप अंग्रेजों के देखोगे या फिर जो बाहर की जो कंपनी थे यूरोपियन उनके अपने सेंटर देखोगे आप इन जगहों पे, इनकी फैक्ट्रीज देखोगे आप, यहाँ तक कि बंगाल भी. ठीक है, तो जहांगीर ने मना कर दिया सबसे पहले इनको. लेकिन उसके बाद कैप्टन हॉकिंस आते हैं. तो कैप्टन हॉकिंस क्या करते हैं, टर्किश लैंग्वेज में बात करते हैं. जहांगीर साहब इंप्रेस हो जाते हैं और उनको 400 मनसब दे देते हैं. उसके बाद थॉमस रो आते हैं जो एम्बेसडर होते हैं जेम्स के, किंग के, और वो इनसे ट्रेड का परमिशन ले लेते हैं पूरे मुगल एम्पायर में. 1651 में क्या होता है, शुजा शाह जो कि गवर्नर थे उस टाइम में बंगाल के, वो उनको बंगाल के अंदर बिजनेस करने का परमिट देते हैं. बंगाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्टाइल लैंड है, लैंड का रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता था और नेविगेबल, और साथ ही साथ में ये समुन्द्र सी रूट से भी यहाँ पे पहुंचा जा सकता था क्योंकि बहुत सारे पोर्ट थे. तो बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. सो बंगाल में इनको परमिट मिल जाता है जिसका नाम होता है निशान. शुजा शाह इनको ये परमिट देता है. अब औरंगजेब जब आता है, जब औरंगजेब आता है तो वो हुगली, ये बंगाल वाला जो रीजन होता है हुगली, ये मसूली पट्टनम, ये सब उनसे छीन लेता है वापस. ये जो पॉइंट ना जो मेरी इस तस्वीर के पीछे आ रहा होगा, दिस इज हुगली, वापस छीन लेता है. तो इसकी वजह से अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता है कि ये हो क्या गया हमारे साथ, पहली बार किसी मुगल ने, पहली बार किसी हिंदुस्तानी शासन ने ऐसा किया है हमारे साथ, इनको ऐसा लगा इसमें. अच्छा, तो फिर इनको क्या होता है, 1698 में इनको 3 गांव मिलते हैं और इसी का ये फोर्ट विलियम्स बना लेते हैं, कैलीकट, स्तनती एंड गोविंदपुर. इसी का ये कलकत्ता बनाते हैं. कलकत्ता एक इनकी अपना ये फोर्ट विलियम्स होता है, चारनोक बनाता है. तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, फोर्ट विलियम्स कहाँ है, ये कलकत्ता में है या बंगाल कह सकते हैं. ठीक, अब जो
औरंगजेब के बाद एक दो और रूलर्स आते हैं वीक, और उसके बाद ये फारूक सियर आता है। फारूक सियर ने एक और काम कर दिया, शाही फरमान दे दिया, और इस शाही फरमान के, ये एक परमिट था शाही परमिट, अब इसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों को सिर्फ 3,000 रुपया एक साल का देना है। उन्होंने यही कहा था इसको कि हम पूरे साल आपको ये हर महीने हमें बिजनेस करने के लिए इतना टैक्स ले जाता है, इतना परेशानी होती है, तो आप एक ही बार ले लो। 3,000 रुपया सिर्फ लेता है एनुअल टैक्स इनसे, बंगाल से, और सूरत से लेता है 10,000 रुपया। और जो बोला कि जो कॉइन्स ये बम्बई में बना रहे हैं, ये कॉइन्स पूरे मुगल एम्पायर में चलने चाहिए, और ये भी इसने इजाजत दे दी। इसलिए ये जो शाही फरमान है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए, तो इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ये मैग्ना कार्टा फरमान जो ये ब्रिटिश वाले इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, थोड़ा आगे होगा। साउथ के टाइम, साउथ में भी इनको फरमान मिल जाता है गोलकोंडा किंग से, हैदराबाद वाले रीजन में आता है ये जो गोलकोंडा रीजन है। बहमनी एम्पायर जब टूटा था उसके बाद ये निकला था गोलकोंडा रीजन, तो इन्होंने गोल्डन डिक्री दी, गोल्डन फरमान। ठीक है, एक इनके पास पहले से निशान था बंगाल के लिए, फिर इनके पास शाही फरमान आ गया, और फिर अब इनके पास गोल्डन फरमान आ गया। देखो, तीन तीन परमिट मिल चुके हैं इनको। काम में यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम्स कहाँ है, वो बंगाल में, और सेंट जॉर्ज कहाँ है, मेड्रास में है। ठीक है, और फिर 1661 में क्या होता है, जो ब्रिटेन के राजकुमार होते हैं चार्ल्स वन, उनकी शादी हो जाती है पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ, तो राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो क्या होता है कि जो पुर्तगाल वाले होते हैं ये गिफ्ट में ना बॉम्बे दे देते हैं, उस टाइम में पुर्तगीज के पास था ये बॉम्बे, तो ये ब्रिटिश को दे देते हैं गिफ्ट में। लेकिन ब्रिटिश बोलते हैं हम क्या करेंगे इसका, तो ब्रिटिश की एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम कर रही थी ऑलरेडी, ये उसको किराए पे दे देते हैं। ये रेंट पे दे देते हैं इनको 10 पाउंड पूरे साल का, बस इतना सा रेंट, और पूरा बॉम्बे उनका। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपना सेंटर बना लिया 1687 के बाद। आप सारे सारे पॉइंट नहीं भी लिखोगे चलेगा, यहाँ से कुछ पॉइंट जो मार्क करके रखे होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसको मैं खुद भी मार्क कर लेती हूँ। एक्सपेंशन किस प्रकार होता है, देखो, जब तक यहाँ पे अकबर ने तो बहुत सारा इंडिया यूनाइट किया था, जो वो नहीं कर पाया वो शाहजहां जहांगीर ने किया, और औरंगजेब की भी सिर्फ बैटल ही चलती रही ज्यादातर लोगों के साथ। वो जैसे औरंगजेब का डाउनफॉल हुआ, मतलब औरंगजेब की डेथ हो जाती है ना जैसे, तो मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ बचता नहीं है। जो अगर ये मुगल एम्पायर है तो ये सारे अलग अलग राज्य हो जाते हैं इसके, फिर बट जाता है ये। तो बंगाल कंपनी के लिए लेना आसान था, ब्रिटिश ने बंगाल को लिया, मैसूर को लिया, मराठा को लिया, सिंध को, पंजाब को, अवध को। बंगाल को इन्होंने किन से लिया था, जो जैसे सिराजुद्दौला थे, बिरला प्लासी थी, उसके बाद से यहाँ का शुरू हो गया था बंगाल का जाना। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान लड़े थे, मराठा में आपको पता है जो शिवाजी ने इसको बनाया था, और फिर पेशवा, उनके साथ अंग्रेजों का युद्ध चलता रहा, क्योंकि मराठा कॉन्फेडरेसी बहुत बड़ी थी। मराठा कॉन्फेडरेसी, ये जो पूरा एरिया ना सेंटर में ये देख रहे हो, ये सारा मराठा है। सिंध को इन्होंने ले लिया था, फिर पंजाब में सिख रूल था उस टाइम में महाराजा रणजीत सिंह का, और अवध वगैरह, ये सब। तो देखते हैं कि एक एक करके ये सब किस तरह से चले जाते हैं ब्रिटिश के पास। तो शुरू करते हैं बंगाल से। बंगाल की इम्पोर्टेंस क्या है, फर्टाइल लैंड है, नेविगेबल थी, और सी ट्रेड के लिए बहुत अच्छी थी, और कोई रीजनल चैलेंज भी नहीं था, आसपास कोई लड़ने वाला भी नहीं था बंगाल के लिए। ठीक है, तो औरंगजेब, जैसे औरंगजेब के टाइम में क्या होता था, मुगल जो प्रोविंस होते थे ना, उनको दो, उनकी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करी जाती थी, एक होता था सूबेदार, मतलब जो हम बोलते हैं गवर्नर, और दूसरा होता था दीवान, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो औरंगजेब के टाइम में मुर्शिद कुली जो होता है वो दीवान होता है। तो फर्रुख सियर के टाइम में क्या हुआ, उसने मुर्शिद कुली को यहाँ का सूबेदार बना दिया। ठीक है, और मुर्शिद कुली ऐसा इंसान था जिसने बाद में बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसने बोला कि हमारा जो ये बंगाल है ये इंडिपेंडेंट है, अब मैं मुगल एम्पायर के अंडर नहीं हूँ, अधीन नहीं हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत चंदा फिर भी ये थोड़ा बहुत टैक्स इनको देता था साल का। तो
फारूक सियार जो था उसने जो शाही फरमान डाला था ना, उसकी वजह से ये मुर्शिद कुली बहुत दुखी था। जो मुर्शिद कुली था इसको ये शाही फरमान अच्छा नहीं लगा कि इसने अंग्रेजों को इतने सस्ते में यहाँ पे बिजनेस का ये परमिट दे दिया है और अब ये इसको मानते नहीं है मुर्शिद कुली को, तो इसलिए उसके लिए हेडेक बन चुका था जो शाही फरमान है। तो इसलिए उसने बोला कि मैं मुगल एम्पायर का हिस्सा ही नहीं हूं, क्योंकि वो शाही फरमान तो मुगल एम्पायर का था ना, मुगल एम्पायर ने दिया था। तो इसका इसका जो आगे इसके सक्सेसर जाते हैं अली वर्दी खान, ये बोलता है इसने तो मुगल्स को जो थोड़ा सा रेवेन्यू उसका बाप देता था वो भी देना बंद कर दिया। फिर आता है सिराजुद्दौला, वो बंदा बहुत खतरनाक। इसने बोला कि मैं तो इनको मानूंगा ही नहीं, इसने रिजेक्ट कर दिया उस शाही फरमान को। और जो अंग्रेज रह रहे थे फोर्ट बना बना के कॉलोनीज में, उसने बोला ये फोर्टिफिकेशन बंद करो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कोलकाता की ये फोर्ट बनाना बंद कर दो। अंग्रेजों ने नहीं माना, इसने इनका शाही फरमान भी नहीं माना, बोला कोई परमिट नहीं है तुम्हारे पास, अब मेरे हिसाब से बिजनेस करोगे, मेरे हिसाब से टैक्स दोगे। और अंग्रेजों ने नहीं माना, बोले जा जा। अब क्या हुआ, सिराज ने अटैक कर दिया कोलकाता पे 1756 में। सिराज आया कब था, 1756 में ही आया था सिराज, और 1757 में मारा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सिराज एक छोटी सी झड़प होती है अंग्रेजों और सिराज के बीच में। तो लॉर्ड जो इनके जो क्लाइव होते हैं वो और वाटसन आते हैं मेड्रास से और ये लड़ते हैं और ये हार जाता है, सिराज हार जाता है। तो सिराज जब हार जाता है तो इसको एक बहुत ही शर्मनाक ट्रीटी पे साइन करना पड़ता है, बहुत ही अब्यूजिव ट्रीटी थी, आपत्तिजनक थी इसके लिए, एक मतलब एक बोल सकते हो ना इंसल्ट थी इसके लिए। ये उस ट्रीटी में क्या लिखा था कि हमें फोर्टिफिकेशन बनाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, हमारे कॉइन्स करेंसी की तरह चलेंगे और टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे, हम बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे, तेरे सर पे बैठ के नाचेंगे। इसको साइन करना पड़ जाता क्योंकि हार गया था। लेकिन अब देखो आगे, ये सिराजुद्दौला है, अब चुप तो नहीं बैठेगा। इसने क्या किया, इनको पता है कि इन ये जो ब्रिटिश वाले हैं इनकी जो फ्रेंच कंपनीज इनके साथ नहीं बनती है, इनके साथ ऑलरेडी कर्नाटका में वॉर चल रही थी, इनकी फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर, और जहां भी पूरी दुनिया में भी इनकी जहां जहां युद्ध चल रहा होता था, एक जगह पे युद्ध लगता था पूरी दुनिया में लग जाता था, जहां जहां इनकी कॉलोनीज, जहां जहां इनकी कंपनी एक एक दूसरे के आमने सामने आती थी, युद्ध करने शुरू हो जाती थी। यहाँ पे युद्ध होगा, साउथ अफ्रीका में भी होगा, अमेरिका में अगर कॉलोनी होगी वहां भी होगा, यूरोप में भी लड़ेंगे। तो ये था इनका जो फ्रांसियों के साथ रिलेशन, टॉम एंड जेरी थे ये समझ लो, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, फ्रांसी जो सेना थी, फ्रांसी जो कंपनी थी, उनकी सहायता लेने शुरू कर दी कि अंग्रेजों के खिलाफ मैं युद्ध करूंगा, आप मेरी सहायता करो, वो भी तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग थे क्लाइव और वाटसन, ये बहुत चालाक थे, इन्होंने क्या किया, इसके जो भी ट्रस्ट वर्दी लोग थे सब खरीद लिए, सिराजुद्दौला जो था उसको अकेला कर दिया इसने, बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं उसको, मीर जाफर जो इसका सेनापति था, मीर जाफर जो था ना, और भी जो मेन मेन लोग थे ना जिस जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता था, ठीक है, घसीटी बेगम होती है, शौकत होते हैं, मीर जाफर, जगत सेठ होता है, ये जो लोग होते हैं ये उसके भरोसेमंद होते हैं, उसके बड़ी पोस्ट पे होते हैं, जैसे सेनापति हो गया, दीवान हो गया, इस तरह के लोग थे, वो सब बिक गए थे। अब अकेला है कौन, सिराजुद्दौला, थोड़े बहुत फ्रेंच के साथ, फ्रेंच की सेना के साथ। तो हो जाता है युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है, प्लासी एक जगह है बंगाल के अंदर ही, जो रिवर है ना गंगा, उसके साइड में तट पे आती है एक जगह, थोड़ा सा गांव है। 1756 में आया था, पहले एक छोटी सी जंग होती है और ट्रीटी ऑफ ये अली नगर जो होती है ये साइन करनी पड़ती है, और यही ट्रीटी ऑफ अली नगर जो है ये इतनी आपत्तिजनक थी सिराजुद्दौला के लिए, यही कारण बनती है बैटल ऑफ प्लासी का। और बैटल ऑफ प्लासी का कोई पूछे कारण क्या था, दिस इज ट्रीटी ऑफ अली नगर, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली अंग्रेज जीत जाते हैं इसमें, क्योंकि ये कोई मिलिट्री की फाइट तो थी नहीं, ये षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी, और ये जीत जाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक नवाब बना दिया अपना, एक वो नवाब जो होता है इनका मीर जाफर बना दिया, और वो इनका पपिट होता है, इन्होंने अपनी तरफ से अपना एक पपिट इंस्टॉल किया है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो भी ज्यादा मानने नहीं लगा, इसको हटा के उन्होंने मीर कासिम को लाया। अब मीर कासिम भी नहीं लगा मानने इनको, उन्होंने मीर कासिम को इंस्टॉल किया नवाब की तरह, लेकिन वो भी धीरे धीरे इनके अगेंस्ट हो गया। अब जब ये भी इनके अगेंस्ट हो गया तो एक नई बैटल जन्म लेती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर आज के टाइम में बिहार में आता है। तो अब देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर किन किन लोगों के बीच में हुई थी।
ये एक नवाब के बीच में नहीं थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, और यहां से ये यूनाइटेड फोर्सेस थी। ये जो तीन है ना, ये यूनाइटेड फोर्सेस हैं। किस किस के यूनाइटेड फोर्सेस हैं, नीचे नाम लिखे हैं। शुजा शाह दौला, ये होते हैं अवध के रूलर। मीर कासिम बंगाल के होते हैं, और शाह आलम ये मुगल एम्पायर होते हैं। तो ये जो जंग होती है इसमें ये पूरी तरह से हारते हैं बैटल ऑफ बक्सर को। ये मिलिट्री जंग होती है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो इसमें ये हार जाते हैं शाह आलम साहब जो होते हैं। इनको इसका इसका जो रिजल्ट होता है ना, इस बैटल का रिजल्ट यहाँ पे भी उतनी ही खतरनाक उनकी जो कंडीशन थी वो माननी पड़ जाती है। तो इस बैटल का रीजन क्या था, अंग्रेजों की जो ग्रीड थी। पहले ये टैक्स के लिए ना देने के लिए फरमान लाते थे, परमिट लाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये अपने गवर्नर, अपने मतलब सूबेदार इंस्टॉल करने लगे यहाँ पे। अब ये राजनीति में आने लगे थे, उनकी ग्रीड थी, ठीक है। और जो प्रेशर ये इस नवाब पे डालते थे, जो बंगाल का नवाब होता था, इसके ऊपर ये प्रेशर डालते थे कि ऐसा कर ऐसा कर हमारे लिए, ऐसा कर ऐसा कर, वो नहीं करता था। इसकी वजह से भी ये बैटल ऑफ बक्सर होनी थी, इनएविटेबल थी। अब क्या होता है, इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस देखो। एक ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, दो ट्रीटी साइन होती है इलाहाबाद की। तो जो पहली ट्रीटी होती है उसमें बंगाल बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स होते हैं वो चले जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स। बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन संभालेगा वहां का नवाब, और खर्चा जो होगा वो सारा वो देखेंगे, फाइनेंस फाइनेंस जो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो। मतलब आपका घर है और कोई आपको बोला है कि पैसा सारा मेरे पास रहेगा, आप इस घर में सफाई कर देना। तो आप सफाई वाले हुए कि मालिक हुए, बस यही काम करा रहे थे अंग्रेज यहाँ पे। तो जो पहली ट्रीटी थी वो शाह आलम और जो नजमुद्दौला होते नवाब उस टाइम में बंगाल के, तो उनके बीच में होती है ये। तो शाह आलम पहला पेंशनर बनता है जिसको 26 लाख देते हैं एक साल का, और बोलते हैं तुम निकलो यहाँ से। डायरकी शुरू हो जाती है, डायरकी बताती हूँ आगे। सेकेंड ट्रीटी जो होती है वो अवध के जो नवाब होते हैं उनके साथ होती है, ब्रिटिश की। इन दोनों में क्लाइव होते हैं, ब्रिटिश की तरफ से जो बात कर रहे हैं वो क्लाइव होते हैं। तो अवध और वहाँ का जो फोर्ट होता है, जो साइड में है ना, ये फोर्ट है जूनर का, दुर्ग बोलते हैं फोर्ट को। तो इनने बोला कि अवध के खर्चे पे पलेगी ब्रिटिश की आर्मी, मतलब अपने ही दुश्मन की सेना को आप खर्चा दोगे, ये इस ट्रीटी से इन्होंने निकाला। अब डायरकी समझते हैं ये क्या थी। निजामत मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और दीवानी मतलब रेवेन्यू जो कलेक्शन होती है, फाइनेंस के, ठीक है। बोलते हैं कि जो निजाम होगा, जो नवाब होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, और जो पैसे होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। देखो ये होती है डायरकी, मतलब 200 सरकारें, एक ब्रिटिश की सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है यहाँ पे, रूल कर रही है एक किस्म का, और एक किस्म एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है निजामत, मतलब नवाब चलाएगा। ये थी। तो यहाँ पे ठीक ठाक लूट होती है, पैसे की हर चीज की हेर फेर होती है। तो उसके बाद 1772 में वारन हेस्टिंग्स जो आते हैं, वारन हेस्टिंग्स इस सिस्टम को एबॉलिश कर देते हैं डायरकी को। अब आप सोचोगे कि अब अंग्रेज हट जाएंगे रेवेन्यू की कलेक्शन करने से, अरे नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी हटा देते हैं निजाम इससे, नवाब से, तो खत्म कर देते हैं। और 1773 में यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है 1773 का, मतलब अब कंपनी ही रूल करेगी। अब कोई डायरकी नहीं है, अब सिर्फ एक ही आर की, एक ही सरकार होगी, वो कंपनी होगी। अब ये नवाब नवूब कुछ नहीं होगा, यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे डिपार्टमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी। अब कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है कंप्लीटली बंगाल के अंदर। तो देखो आप पहले ये परमिट परमिट मांग रहे थे, उसके बाद थोड़ी बहुत शर्तें नहीं मान रहे थे, किसी तरह से परमिट ले रहे थे, फिर कॉन्स्पिरेसी करके सिराजुद्दौला दौला को मारते हैं बटला प्लासी के अंदर, फिर बक्सर के अंदर मिलिट्री के साथ डिफीट देते हैं ये यूनाइटेड फोर्सेस को हमारी, और उसके बाद ये अवध बंगाल बिहार उड़ीसा सब ले जाते हैं। मतलब बहुत मेन जो पार्ट होता है ना, बहुत जहां से इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ सकता था वो ये ले चुके हैं। अब कर्नाटका में चल रही है जंग इनकी, और मैसूर में चल रहा है हैदर अली के साथ इनका, वो भी देखेंगे हम। तो इसके आगे का जो क्लास होगी इसकी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।